आज हम जीने वाले हैं हर ट्रैवलर का ड्रीम, दैट इज बाइक राइडिंग इन लद्दाख। लिटरली मैंने आज तक लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। और मेरे सामने आप देख सकते हो पाकिस्तान है, रोड काफी खराब है, मेरे आंखों के सामने एकदम अंधेरा सा छा गया, मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा था। नहीं, ऐसा कुछ इंडिया में हमने पहले नहीं देखा था। अच्छा ही लग रहा है, दिस इज लुकिंग गुड। इसके पीछे से ऐसे लड़ाई लड़ी जाती है। कमाल का व्यू दिखा कि आप सच में पागल होने वाले हो, और नजारे बहुत कमाल के हैं। दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हो कैसे फ्यूम्स निकल रहे हैं जमीन से, ऐसा लग रहा है गाइस कि हम लोग विदेश में हैं, ट्रस्ट मी। तो ये कॉटेज हमें मिला है, देख सकते हो कितना प्यारा और ट्रेडिशनली डिजाइंड है। फिरंगियों की टोली आ रखी है यहाँ पे, तो बहुत मजा आ रहा है। हेलो, हाउ आर यू जूले? या आई एम डूइंग गुड। हमारा पिकअप आ गया है, और क्या ही कमाल का नज़ारा दिख रहा है, आप देख सकते हो, अद्भुत है। देर आर नो वर्ड्स एंड वी आर स्पीचलेस। बहुत बहुत हैप्पी हैं, ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग है। थैंक यू सो मच भाई, वेलकम टू लद्दाख। अभी आपको जल्दी से हमारा रूम टूर देने वाले हैं। इसके पहले आपको बता दूं कि हम लोग रुके हुए हैं एक होटल में जिसका नाम है हशूर रेसिडेंसी। ये ले मार्केट से बस 300 या 500 मीटर की वॉकेबल डिस्टेंस पे है। और अभी आपको दिख बताएंगी कि अगर आप ले में अगर डायरेक्टली फ्लाइट से लैंड कर रहे हो तो प्रॉपर एक्लेमेटाइज करना कितना जरूरी है, नहीं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ओवर टू यू। हाँ सो गाइज, उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि वी बुक दिस ब्यूटिफुल रूम एट जस्ट 1500 रुपीज पर नाइट। आई थिंक मुझे ये डील काफी ग्रेट लगी। ऑल्सो दिस इज नियरली टुवर्ड्स ऑफ सीजन, इसलिए हमको अच्छे डील में अच्छे, और इसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है गाइज। हाँ तो इसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है गाइज, एंड हम लोग जो लंच और डिनर होता है तो हम लोग मार्केट में जाके खा लेते हैं। तो हाँ, एक्लेमेटाइजेशन की अगर बात की जाए तो इट्स वेरी नेसेसरी गाइज। मेरा जो है लद्दाख सेकेंड टाइम है, स्टिल आई एम फीलिंग वेरी नॉजिया, एंड मेरे को काफी आज सुबह सुबह उल्टी जैसी भी फील हुई थी, एंड अभी वाज ऑल फाइन। या मैं आज बिल्कुल ठीक था। पहले दिन बेसिकली मेरे को क्या हुआ, थोड़ा डिजीनेस सा फील हुआ, सर थोड़ा सा घुमा हुआ सा लग रहा था। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि लेह जो है वो 9000 प्लस फीट की हाइट पे बसा हुआ है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंटेज इज लाइक 56%। नो नो, इट्स 65%। 65% ही ऑक्सीजन है यहाँ के एयर में, तो एयर काफी थिन होती है जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो। तो मेक श्योर करो कि आप प्रॉपर एक्लाइमेटाइजेशन करो। इसके कुछ रूल्स हैं गाइस। तो अगर आप डायरेक्टली लेह में लैंड कर रहे हो तो सबसे पहले आप 48 आवर्स तक, मिनिमम जो रिकमेंडेशन है 48 आवर्स तक आप आराम से बिस्तर में बैठ जाओ, तो प्रॉपर रेस्ट लो और अच्छे से खूब सारा गर्म गर्म पानी पियो। और साथ में अगर आपको, अगर आपका सर घूम रहा है तो एक टैबलेट आती है डायमोक्स 250 mg, और डॉक्टर की सलाह पे आप सुबह शाम ले सकते हो, तो इससे आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। हाँ तो गाइज, आपको डायमोक्स लेना है आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लग रहा है कि मैं तो काफी फिट हूँ एंड मेरे को कुछ भी नहीं होगा, गाइज डोंट मिस्टेकन। ले ऐसी जगह है, हमारे होटल वाले ने कहा कि यहाँ पे 10 से 8 लोगों को यहाँ पे डिजीनेस फील होती ही 10 में से 8 लोगों को यहाँ पे होता है। हाँ, exactly. फील होती है, तो प्लीज ये बिल्कुल भी आप वो मत करना, अवॉइड मत करना, रेस्ट लेना। जो हम लोग पहली बार आए थे, मैं अपने मम्मी डैडी के साथ आई थी, मैंने सिर्फ 1 दिन का ही रेस्ट लिया था, एंड मुझे बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई थी जब मैं खारदोंगला पास जा रही थी। तो प्लीज इस बार हम लोगों ने इसीलिए 2 दिन का लिया। आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। तो आप पूरे मतलब पूरी जो प्रिकॉशंस लेकर ही आना। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, यहाँ के लोगों ने बताया कि पहले दिन आप प्रॉपर पेट भर के मत खाना, कोई मैदे वाली चीज मत खाना,
हो सके तो अपना लंच स्किप कर दो या थोड़ा थोड़ा अमाउंट में खाना खाओ और खूब सारा पानी पियो. दैट इज मेन थिंग. क्योंकि यहाँ पचने में या क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन में थोड़ा टाइम लगता है. ऑब्वियस सी बात है, यहाँ का वाटर बोल रहे हैं कि हार्ड है और यू नो समथिंग लाइक दैट. बट स्टिल आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेना है और दो दिन में आप प्रॉपर एक्लेमेटाइज हो जाओगे. अगर आप नहीं हो रहे तो तीसरा दिन भी ले लो. yes. उसके बाद अपना ट्रिप स्टार्ट करो. अगर आपको खारदुंगला नुब्रा और हाइट वाली जगह पे जानी है उसके पहले आपको ये जरूर से जरूर करना है. दो दिन तो गाइस आप पूरा सो जाओ, लिटरली कुछ नहीं बोलूंगी मैं करने को, बस पूरा सो जाओ. तो गाइस हशूर रेसिडेंसी में हम लोग रुके हुए हैं और आपको जल्दी से क्विक रूम टूर देते हैं. कमरा नंबर 109, दिस इज आवर रूम एंड लेट्स स्टार्ट विद द रूम टूर. सो गाइस एज यू एंटर यू कैन सी काफी ब्रॉड सा रूम है, काफी स्पेशियस सा रूम है. जैसे 1500 रुपए में इतना स्पेशियस तो मैंने नहीं देखा. काफी छोटे छोटे रूम्स होते हैं बट एनीवे दिस इज दिस रूम. काफी प्यारा सा बेड है. या बेडरूम से पहले हम लोग वॉशरूम दिखा देते हैं. हाँ. तो ये वॉशरूम है, बड़ा सा ही है. इसमें ठंडा गर्म सब पानी आने का भाव. ठीक है, और वॉशरूम में कहीं दिखाऊं. ठीक है, ये बेड है, काफी कम्फी है. यहाँ पे एक मिरर भी है, यहाँ पे एक वार्डरोब भी दिया गया है. बहुत रूम मेसी है गाइस, डोंट माइंड. और यहाँ पे यू कैन सी लाइफ साइज विंडो फ्रॉम फॉर दिस व्यू. सुंदर उधर पहाड़ का व्यू दिख रहा है यार, लद्दाख का बहुत ही सुंदर व्यू है गाइस. एंड यहाँ पे इस रूम में बहुत सारे विंडोज है. By the way, यहाँ एक बड़ा सा टीवी भी है जो हमने अभी तक यूज नहीं किया. फिर यहाँ पे आते हो ना तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिरर है, यू कैन सी मिरर है, विंडो है, बहुत ही प्यारा सा व्यू के साथ. yep, और फिर, साथ में यहाँ पे थोड़ा सा बैठने के लिए दिया गया है जगह. हाँ, और एक टेलीफोन भी है यहाँ पे. गाइस एक और चीज मेरे को बहुत वियर्ड लगी इन अ फैसिनेटिंग वे. यहाँ पे बैल्कनीज के लिए कोई डोर नहीं होती है तो आपको ऐसे जाना होगा. तो ऐसे आते हैं और काफी बड़ी बालकनी दी हुई है. हाँ, अच्छा है, काफी बड़ी स्पेशियस बालकनी है. एंड यहाँ पे आपको व्यू दिखाती हूँ. यहाँ भी पहाड़ का व्यू है, छोटा सा यहाँ पे बौद्धिस्ट आई थिंक मंदिर है. ऊपर ले पैलेस है आई थिंक, अगर आप देख सकते हो तो. और दिस इज व्हाट इट इज. और हर जगह ये वॉलनट है ना, आलमंड, आलमंड के पेड़ है. तो इस साइड भी आप देख सकते हो बिल्कुल रोड का व्यू है. इधर रोड का व्यू और ऊपर देखो कितना अच्छा पहाड़ दिख रहा है, ट्रायंगल वाला मस्त है. यहाँ भी बैठ सकते हो आप, चिल आउट कर सकते हो. तो दिस इज दिखाते हैं गाइस कुछ मस्त से ड्रोन व्यू गाइस. यप, बाय. तो गाइज हम अपने होटल से एक शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं लेह मार्केट. सबसे पहले आता है ये गुरुद्वारा, साथ में एक मॉस्क भी आएगा, जामिया मस्जिद है जो कि मेन मार्केट है. और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ बिस्किट बनते हैं, बेकरी का आइटम्स है और यहाँ पे बनता है बिस्किट. तो ये है दोस्तों गुरुद्वारा दतीन साहिब और आप यहाँ पे आ सकते हो. तो यहाँ पे आई गेस तीन कम्युनिटी के लोगों के लिए काफ़ी पवित्र स्थान है, एक तो सिखिज़्म के लिए, एक इस्लाम के लिए और एक बौद्धिज़्म के लिए. और एक काफ़ी सुंदर गलियाँ हैं. तो गाइज़ इन तंग गलियों से निकलकर हम डायरेक्टली पहुँचते हैं लेह मार्केट में. क्या मस्त जगह यार, आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है. तो गाइज़ हम लोग आए हैं एक शॉप में विच सेल्स जैकेट्स एंड ऑल एंड अभी इज ट्राइंग वन ऑफ देम. मोनू दिखाओ, ये वो ऊपर वाला क्लोज करके दिखाओ ना.
हुडी भी है, नाइस। बहुत सारे वैरायटी है, आप देख सकते हो गाइस। अभी हम लोगों ने ट्राई किया एक और शॉप से और देख सकते हो अच्छा ही लग रहा है, दिस इज लुकिंग गुड। पीछे हो देखो, पीछे मत, इट्स कूल, यू कैन बाय दिस। तो देखो अभी ये ट्राई कर रही है, कौन सा बेटर है आप बताओ? येलो, आई थिंक कैमरे में ही बेटर लग रहा है, मुझे दोनों अच्छा लग रहा है, बट आई थिंक येलो थोड़ा सा अच्छा कलर लग रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अच्छा लग रहा है। गाइस हम शॉप का नाम भी बताएंगे, बहुत ही मस्त कलेक्शन है यहाँ पे, हर कुछ यहाँ पे काफी अच्छा कलेक्शन है, आप आ सकते हो। यप। एंड अब मैं दिखाती हूँ अभी ने क्या पहना है, जल्दी आओ, उधर जाओ थोड़ा सा। ये भी काफी अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत सही। गाइज आफ्टर ट्राइंग सो मेनी पफर जैकेट, फाइनली आई एम टेकिंग दिस क्रीम वन, जो मुझे काफी पसंद आया। एंड और भी ऑप्शंस हैं बहुत सारे, ये है लाइट ब्लू और ये थोड़ा है डार्क ब्लू और येलो भी था, सो आई एम टेकिंग दिस वन। सो गाइज यही है वो दुकान नॉर्सांग सेलेक्ट कॉर्नर, जहाँ से आप ढेर सारे विंटर वेयर्स खरीद सकते हो, कमाल की दुकान है, मस्ट रिकमेंडेड, खासकर लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी है डेफिनेटली, बट काफी अच्छा लगा। चलो चलते हैं। गाइज अभी शाम का जो माहौल है ना यहाँ पे, वो बहुत ही रोमांटिक है, एंड पीछे जो है आप देख सकते हो पहाड़ भी हैं, तो बहुत ही मस्त है। अगर आप लद्दाख आ रहे हो तो ले मार्केट ज़रूर से आना, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। जितने भी सारे पहाड़ों में जो मार्केट्स होते हैं, जैसे मनाली का मॉल रोड, दार्जिलिंग में एमजी मार्केट, तो काफी सुंदर होता है। सिमिलरली लद्दाख में भी काफी सुंदर मार्केट है, और यहाँ पे आपको हर कुछ मिल जाएगा, मतलब अगर फैशनेबल ट्रेंडी कपड़े मिल जाएंगे और खाने पीने के मस्त मस्त फूड ज्वाइंट्स हैं, वुलन क्लॉथ्स, पश्मीना, व्हाटएवर यू वांट, एवरीथिंग यू विल गेट इट हियर, सब कुछ गाइस, काफी ट्रेंडी भी होता है। चलो आपको और एक और इम्पोर्टेंट बात, ऐसा लग रहा है गाइस कि हम लोग विदेश में हैं, ट्रस्ट मी, कुछ भी गंदगी नहीं है, एवरीथिंग इज सो क्लीन, और यहाँ पे फॉरेनर्स की भीड़ है, यूरोपियन क्राउड आया हुआ है, तो काफी मस्त वाइब दे रहा है अभी। गाइस फिरंगियों की टोली आ रखी है यहाँ पे, तो बहुत मजा आ रहा है। सो गाइज मैंने ये ट्राई किया है बाइकर जैकेट, आई थिंक इट सूट्स मी अ लॉट एंड आई लाइक इट। क्या गिरा रहे हो? आप बताओ कैसा लग रहा है गाइज। सो गाइज दिस इज द नेक्स्ट जैकेट दैट आई एम ट्राइंग, पफर जैकेट ब्लैक दैट इज टू क्रॉप, बहुत ही कूल है, मुझे काफ़ी कूल लगा। इसका क्या प्राइस है? 2800 का गाइज। सो गाइज मैंने यहाँ से दो आइटम्स खरीद लिए हैं, वन इज अ जॉगर एंड वन इज अ लेदर जैकेट, दैट्स अ फॉल लेदर जैकेट। थैंक यू, बाय। एंड वे हेडिंग आउट, अभी ने कुछ नहीं लिया, उसको कुछ पसंद नहीं आया। सो गाइज हम लोग को काफ़ी भूख लगी थी शॉपिंग करते करते, तो हम लोग आ गए हिमालयन कैफे। सो काफ़ी अच्छा एम्बियंस एंड ऑरा है इस जगह की, कैन सी। तो हमारा खाना भी आ गया है और हमने ऑर्डर किया था तंदूरी रोटी
और मटर मशरूम और दाल फ्राई। चलो बहुत भूख लगी है। तो गाइस खाना तो काफी अच्छा लगा मुझे, मटर मशरूम स्पेशली, दाल भी अच्छी है। अभी आ सकते हो हिमालयन कैफे, मार्केट के बीचों बीच में आ।